नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल हिंदी न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया पहुंचे, महातिर मोहम्मद से करेंगे मुलाकात। कुआलालंपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलेशिया पहुंचे। यहां वह देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में 92 वर्षीय महातिर मोहम्मद ने 10 मई को शपथ ग्रहण किया। दुनिया के सबसे उम्रदराज निर्वाचित नेता महातिर के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन ने हाल में संपन्न आम चुनावों में बारिसन नेशनल BN गठबंधन पर अभूतपूर्व जीत हासिल की। BN मलेशिया में 1957 से सत्ता में थी। मोदी और महातिर के बीच व्यापार और निवेश के अलावा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा होने की संभावना है। नई दिल्ली में ही मोदी ने कहा था कि इंडोनेशिया से सिंगापुर जाने के दौरान वे कुछ समय के लिए मलेशिया में रुककर महातिर से मुलाकात करेंगे और नए मलेशियाई नेतृत्व को बधाई देंगे। मलेशिया से प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर जाएंगे, जहां वे वार्षिक सुरक्षा बैठक शांग्री-ला डायलॉग में कल अहम भाषण देंगे। इंडोनेशिया की पहली सरकारी यात्रा के दौरान मोदी ने राष्ट्रपति जोको विदोदो के साथ सकारात्मक चर्चा की। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सहित 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, मैं आप तक नई नई वीडियो पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।